नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नया कार्यक्रम लेकर। मैं भी हूं मैदान में और आज हमारे इसी कार्यक्रम में एक ऐसी प्रत्याशी मौजूद है जिन्होंने ऐसी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है जो एक ऐसे हाशिए पर पहुंच चुकी है जिसका कोई वजूद नहीं रहा, या ये कहें कि उस पर कोई भरोसा नहीं जताना चाहता। लेकिन आखिरकार क्यों वो चुनाव मैदान में है और आखिर क्या उनके विकास कार्य होंगे, किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई है, इन्हीं सभी को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं गुलाबबाड़ी में, वार्ड 36 में, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन कराया, दावेदारी की और बहुजन समाज पार्टी पर अपना भरोसा जताते हुए क्षेत्र की जनता से मोहब्बत की गुजारिश की है। देखना होगा कि जनता उन पर कितना भरोसा जताती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले कितनी तैयारियां हैं, क्या रणनीति तैयार की है, ये हम जानेंगे। आपका हमारा इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं आपकी चुनाव को लेकर। हमारी सारी तैयारियां, हम चाहते हैं बाट गुलाबबाड़ी 36 से हम खड़े हुए हैं। देखो, जिस हम मोहल्ले में क्षेत्र में निकलते हैं हमें भरपूर प्यार मिला है। जहाँ जाते हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं, घरों के आगे पानी भरा पड़ा है और गड्ढे हो रहे हैं। किसी का 10 साल हो गए, किसी ने भी सुनवाई नहीं करी है। गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने हमें खड़ा करा है कि आप खड़े हो, किसी ने आज तक किसी ने कुछ नहीं करा है। आप जो है इस गलियों का विकास करो, देखभाल करो और जितनी भी महिलाएं हैं सबके लिए सुविधा करना। किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी की वोट लिस्ट में नाम नहीं आए, किसी का पहचान पत्र नहीं बना, वोट लिस्ट कटवा दी है सारी और किसी के भी राशन कार्ड नहीं बने हैं। इतनी इतनी कीचड़ में लगा के उससे नंबर वन पहली गली से हम निकलते हैं, चमासा आता घरों घरों में पानी भर जाता, गोडो गोडो कोई भी निकलता नहीं, सबके घरों में पानी भर जाता। हम अपने हाथों से खींच खींच के पानी फेंकती हैं। किसी ने 10 साल हो गए, राहुल शर्मा पार्षद 2 बार ही रह चुके हैं, प्रीतम पासी एक रह चुका, उसने गली में 1 बार भी आगे नहीं झाँक के देखा। क्या जनता डूब रही है, परेशान है, नहीं है, उसे जिताया मोहल्ले वालों ने, चंदा ढाल के उस बंदे ने 1 बार भी गली में आकर नहीं देखा। अच्छा, अगर बात करें चुनावी मैदान में, बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन क्या लगता है कि कितने वोटों से आप जीत की मान के चलती है, फाइट किसके मान के चलती है? मैं यही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मैं कम से कम 2000 वोटों से तो मेरी जीत होनी चाहिए। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील ये चाहूंगी वो खुश मैं भी खुश हूँ, उन्हें मैं भी खुश करूँ। एक ऐसे वक्त में आपने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है जहाँ पर कोई उसके साथ तैयार खड़ा नहीं, उसके साथ तैयार नहीं था। 25 साल पहले बहुजन समाज पार्टी ने सब कुछ करा, ये जो है ये पार्टी आई है इसने क्या करा है, दृष्टि लगा दी है, सब पे पैसे बढ़ा दिए हैं, दालें महंगी कर दी है और हर चीज पे इस पे जीएसटी लग रही है, उस पे जीएसटी लग रही है, उसने क्या करा है। जनता तो परेशान है, अमीरों की हर चीज से सुविधा है, गरीबों का क्या कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कितना कितना अंतर पड़ेगा जीएसटी, नोटबंदी, इन इस तरह के फैसलों से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी है, यूपी में भी है, उसके बाद में कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? पड़ेगा, देखो भाई, अमीर लोग तो गरीबी लोग जाने जा रहे हैं, अमीरों की तो सभी फीलिंग है। क्या लगता है आपको कि क्षेत्र की जनता भाजपा को पसंद करेगी, सपा को पसंद करेगी या बसपा को? जो जब हमारी ये जब सबसे पिछड़ गई है जाति, जब ऊँची उठ जाएगी तो इसे ही पसंद करेंगे, उसे कौन पसंद करेगा? क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कहना, क्या अपील करेंगी? मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि देखो ये जनता जिसमें मुझे खुश रखेंगी, जिताने की कोशिश करें, हाँ मुझे जिताने की कोशिश करें, मैं उनका खुश रखूँगी। ये थी हमारी पार्षद महोदय जिन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले मतदान के दिन कितनी जनता इन पर भरोसा जताएगी और मतदान किसके पक्ष में करेगी, किसके सर पर ताज सजेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।